पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर देश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शिमला में भी रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में अजात शत्रु नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने विकसित भारत की शुरुआत की थी और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की दो पंक्तियां आज की राजनीतिक परिभाषा में काफी महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो जाता और टूटे तन से खरा नहीं हो जाता, राजनीति से जुड़े लोगों को अपना मन बड़ा रखना चाहिए, तभी समाज की अच्छी सेवा संभव है। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के विकास में एक अलग ही योगदान है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अर्पित की है, क्या कहेंगे? अटल जी देश के प्रधानमंत्री के नाते ही लोगों के बीच में प्रिय नहीं थे, एक कवि के नाते, एक वक्ता के नाते, और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना करके उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया, और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनकी एक बहुत बड़ी योगदान रहा है। हिमाचल छोटे प्रदेश के लिए अटल टनल उनकी देन है, इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला, उनके एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को अपना घर कह करके, और हर साल जब प्रधानमंत्री भी यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी थे तब भी वो समय निकाल करके मनाली आते थे, लोगों से मिलते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे। ये अटल जी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। मैं उनके एक बड़े योगदान को पूरे देशभर में स्मरण करता हूँ कि जब उन्होंने देश में बतौर प्रधानमंत्री काम करना शुरू किया, एक योजना की शुरुआत उन्होंने की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। उनकी दो लाइनें मैं समझता हूं कि आज और उपयुक्त हो गई है भारतीय राजनीति में, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तन से। तो ये सही है कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक परिभाषा बदली है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को जो राजनीति कर रहा है या समाज नीति में है, अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। मन को बड़ा रखेगा तो निश्चित रूप से समाज की अच्छी सेवा कर सकेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कारगिल के विजेताओं की को श्रद्धांजलि दी थी, उन्हीं के समय में वह युद्ध हुआ था और जीता था। मुझे लगता है कि हर जीत वो मन से होती है, इस नाते आज पुनः मन को बड़ा रखना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना रखनी चाहिए। आज भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत मैं कहूं कि अटल जी ने धीरे धीरे शुरू किया था, वो आज एक वृक्ष के रूप में हो चुका है और आगे भी भारत उन्नत ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को आज इसी क्रम में
हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वो मिले थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं था, सभी उनके हितैषी थे। धन्यवाद।